वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा, जो कि हम बेंगोली के घर में होती है। वैसे तो लक्ष्मी पूजा हर कोई दिवाली के दिन मनाता है, लेकिन हम जो बेंगोली लोग होते हैं ना, वो मतलब कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा के बाद जो जब होता है तब हम लोग पूजा करते हैं। तो मैंने भी आज पूजा किया, इसलिए मैंने आज साड़ी पहना है और मैं आज फुल बेंगोली लुक में हूँ और ये वाला साड़ी मैंने डाल लिया है। तो हम लोग ना मतलब सुबह से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ये काम वो काम वो काम इसमें बिजी थे। तो सुबह से ना मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो मतलब वीडियो बनाई हूँ, तो उस सबको मैं बाद में एडिट करके दे दूँगी। तो फिलहाल ना पूजा भी थोड़ी देर पहले हो गया है और ये वाला क्लिप ना मतलब सबसे फास्ट वाला क्लिप ना मैं सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ, मतलब शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था सुबह से, आप लोगों को शायद पता होगा, तो इसलिए फाइनली मैं लास्ट में शूट कर रही हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा। तो आज ना मैं पूरा दिन उपास थी, मतलब निर्जल व्रत नहीं बोलूँगी, तो मैंने जूस पिया था जो ऐसे ही। तो आज मैंने भी पूजा किया है और यहाँ पे मामा सो रही है। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और अगर आप ना मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से ना क्या होता है, मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आप वीडियो देखिए और मैं जाती हूँ मेरी दूसरी कोई काम करने के लिए। मैं नहा के फ्रेश होके आ चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल मैंने नाइटी पहना है, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा बहुत काम है और वो सब कुछ करने के बाद फिर बाद में मैं साड़ी पहनूंगी। तो अभी ना यहाँ पे मैं बैठ गई लड्डू बनाने, तो यहाँ पे होगा नारियल का लड्डू और यहाँ पे हो मतलब होगा खोई और ये देखो मामा मम साइड में चले बेटा साइड साइड। तो मैं ना इस सब को जल्दी बना के फिर ना जो भी काम है जल्दी जल्दी करके उसके बाद साड़ी पहन के शाम को मैं पूजा करूंगी, तो पहले इसको बना लूंगी। और यहाँ पे हो रहा है नारियल का लड्डू, मतलब पहले उसको ना अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, मैं चीनी के साथ बनाऊंगी। बेंगोली में इसको बोलते हैं खोई, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं। तो अभी ना इसमें इसको अच्छे से मैं देख लूँगी, मतलब कोई भी मैंने लड्डू वगैरह जो भी था नारियल का लड्डू और ये सब कुछ मैंने बना लिया है। और बनाने के बाद ना फिर अभी मैं बना रही हूँ मतलब सूजी और लूची। तो सूजी और लूची होने के बाद ना मैं सीधा जाऊँगी मतलब भगवान का जो काम है वो सब कुछ करने। तो उसके बाद मुझे अल्पना भी देना है, मैं इसको करके फिर ना अल्पना देने के बाद सीधा रेडी होके मिलूंगी आप लोगों से। मेरा ना सबका मतलब किचन का जो काम था वो सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, भगवान को यहाँ पे बैठाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा अल्पना देना पड़ेगा। तो मैं ना यहाँ पे अल्पना अपने हाथ से ही दूंगी। तो कोई कोई है जो ब्रश यूज करता है, लेकिन मुझे ब्रश यूज नहीं करना है, हाथ से करना है। तो मैं ना अल्पना देने के बाद मतलब भगवान को यहाँ पे बैठाने के बाद फिर जाऊंगी रेडी होके, फिर बाकी जो सब कुछ काम है वो करूंगी। तो मैं पहले अल्पना लगा लेती हूँ। तो ये है मेरी अल्पना जो मैंने दिया था उसका फाइनल लुक।
वहाँ सब कुछ रेडी हो गया है और फिलहाल ना मैं अभी यहाँ पे मतलब आलता पहनूंगी, मतलब सुहाग की जो निशानी होती है वो पहनूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आलता, तो मैंने आलता भी पहन लिया है और बाकी सब काम जो है वो भी हो गया है। और अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड बैठेंगे पूजा पे, तो चलिए। तो मुझे देख के ना मामा को भी देने का मन कर रहा था, तो इसलिए उसको भी लगा रही हूँ। अरे गाइस के देखिए दोस्तों ना, हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस, चलो तो वो भी लगा लिया है। अब यहाँ का जो रेडी है सब कुछ मैंने रेडी कर दिया, मतलब मैंने अकेले नहीं, मेरे हस्बैंड भी हेल्प की है, तो सब कुछ रेडी हो गया है। और अभी टाइम है पूजा का, तो मेरे हस्बैंड रेडी होके आ रहे हैं, बाद में वही पाचाली पढ़ देंगे, मतलब पाचाली मतलब सबको पता होगा जो बेंगुल्स है, तो ये पढ़ेंगे, तो वो अभी आ रहे हैं, तब तक ना मैं आपको दिखा देती हूँ। শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী ভতবাধাভ্রান্ত সূচনা নর নারায়ণ নমস্কৃত নরৈষ্ণব নরোত্তম দেবী সর फाइनली हो चुकी है ख़त्म, मतलब अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। हाँ तो अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो सब अच्छे से हो गया है, मतलब टाइम भी मैंने जो टाइम सोचा था उस टाइम भी हो गया है, तो फाइनली बहुत ही अच्छे से हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, मुझे ना थोड़ा सा मतलब घर की खाने के लिए थोड़ा सा खिचड़ी बनाना है, तो मैं ऐसे उठ जाती हूँ। तो वो मतलब पूजा होने के बाद मुझे फ़िलहाल अभी आना है किचन में, क्योंकि मतलब घर के लोगों के लिए थोड़ा सा खिचड़ी बनाना है,
तो चलिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, मतलब बना मतलब पहले रेडी कर लूँगी और उसके बाद सबको भी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो देवदत्त है ये है प्रसाद खाने के लिए, तो इसको ना मैं अभी प्रसाद दूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ सब कुछ। देवदत्त हाय बोल दो। हाय। तो ये ना मेरे हस्बैंड का स्टूडेंट है, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे एक बार, और इसका जो दादा है मतलब बड़ा भैया वो भी आया था, तो उसको मैंने भेज दिया उसको मम्मी को बुलाने के लिए। तो जब तक वो उसकी मम्मी को बुलाएगा तब तक मैं यहाँ में रेडी करूँगी सब कुछ। अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड खड़े हैं प्रसाद, यहाँ पे हस्बैंड हाय और मम्मा ना जस्ट अभी सो के उठी है इसलिए इसका मूड ऐसे लटक रहा है, और हस्बैंड अभी ट्यूशन पढ़ा के आए हैं तो ये बहुत एनर्जी में है, कुछ तो बोल दो होगा इसको। मम्मा कैसे घूर रही है देखो। तो अभी ना हस्बैंड प्रसाद खाएंगे और मैं ना इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो वीडियो को करूँगी यहीं पे ख़त्म क्योंकि मुझे चेंज भी करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बाय।